हाँ, तो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे घूम जाता है। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, फ्लोर वर्क हो चुका है। ये साइड के पैरा फिट बॉल बनाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, तस्वीर है। और जैसे ही हम आगे जाएंगे तो दोस्तों वो है रेलवे लाइन को, ये क्रॉस कर रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, और एक मेट्रो की लाइन को भी क्रॉस कर रहा है। तो चलते हैं इधर से ही और दिखाते चल के आप सभी को कि आगे क्या काम चल रहा है रेलवे लाइन पर। दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होगा ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से, ये है दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल, और यहाँ से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का बोर्ड। देखो ड्रेनेज बनाया जा रहा है जो कनेक्ट किया जा रहा है इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से, ये देख सकते हो। पहले ये सिंगल पट्टी हुआ करती थी, अब ये डबल पट्टी करती गई है आगे तक। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। और ये है इधर का मयूर विहार, मयूर विहार क्रॉस करने के बाद में फिर नोएडा लग जाता है दोस्तों, उसके बाद में ग्रेटर नोएडा आ जाता है। तो ये बारापुल्ला फ्लाई ओवर भी बनाया जा रहा है, तो उसका भी आप लोगों को अपडेट देंगे फिर कभी। तो अभी तो दिल्ली देहरादून को ये रिपोर्ट करते हैं चल के, चलते हैं आगे दिखाते चल के। वो वहाँ पर इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट है दोस्तों अक्षरधाम टेम्पल का। ये है देखो अक्षरधाम टेम्पल, जो कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। चलते हैं आगे चल के, कि उधर काम चल रहा था तो वो कंप्लीट हुआ है नहीं, देखते हैं चल के आगे दिखाते हैं। दोस्तों ये बनाया गया है, देखो आप लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस है किस तरीके से इंस्टॉल किया गया। पहले ये वाली लाइन थी, अब इतनी लाइन ये देखो बढ़ाई गई है दोस्तों। यहाँ पर ये देखो फुट ओवर बनाया जा रहा है, और ये बीच का डिवाइडर बना दिया इन्होंने। देखो उधर भी बनाया कि ये बीच में ड्रेनेज बनाया जाएगा, ये देखो ये वहाँ से जोड़ दिया जाएगा, देखो वो आ रहा है ना, ये ड्रेनेज बनाया जाएगा। ये सरियाओं का जाल भी इन्होंने ये देखो बिछाया गया है, आखिर ऐसे ही आगे तक जाएगा। और आगे है आरओ भी, उस पर भी देखो वो काम किया गया, तो वहाँ पर भी चलते हैं और आप सब लोगों को वहाँ पर भी दिखाते चल के। तो ये सारा जब मैं पिछली बार आया था तब आप लोगों ने देखा होगा, पिछली बार वहाँ पर जेसीबी लगा हुआ था, काम चल रहा था। तो आज आया हूँ देखो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे ही काम चल रहा है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। और ये है अक्षरधाम टेम्पल, देखो ये सामने वाला, तो कुछ ऐसा है अक्षरधाम टेम्पल। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ से पहले वो वाली लाइन हुआ करती थी, अब ये वाली लाइन बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले ये यहीं पर दीवार थी। तो ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, यहीं से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। अभी देखो DBM की लेयर इस पर बिछा दी गई है, अब इस पर बिटुमिन की लेयर डाली जाएगी, तो अभी टाइम लगेगा। चलते हैं आगे दिखाते चल के आप सभी को दोस्तों। हाँ गाइस, चलते हैं, देख सकते हो आप लोग, आप सभी को अभी ये देखो अक्षरधाम जाने के लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट है, और ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन आ चुका है, ब्लू लाइन दोस्तों। और आप सभी को एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी इस टाइम पर, जो आपको ये फुटपाथ चमक रहा है ना, ये अभी कुछ दिनों के बाद में नहीं चमकेगा आपको, क्योंकि यहाँ रोड चौपड़ी कर दी जाएगी। ये जो साइन बोर्ड लग रहा था ना, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। ये जितना भी अभी ट्रैफिक देख रहे हो ना, ये सारा ख़त्म होने वाला है। क्यों ख़त्म होने वाला है, आप लोग देख सकते हो कि आगे है ROB, और ROB के ऊपर ही ये नया फ्लाई ओवर बनाया गया है दोस्तों। देखो ये अप्रोच रोड बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, साइड के क्रैश बैरियर भी बना दिए हैं इन्होंने। अब डेंट पेंट का काम किया जाना है, पर डेंट पेंट का काम हो जाने के बाद में बाकी नीचे फिनिशिंग का काम चल रहा है, बाकी तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो ही चुका है दोस्तों। जो ब्लैक टॉप का काम था वो भी हो गया है इस पे दोस्तों, इस फ्लाई ओवर पर। जब मैंने पिछली बार अपडेट दिया था तब आपके इसका फ्लोर वर्क ही चल रहा था, जो कि ये देखो पैराफिट बॉल बनाने के लिए अभी बचे हुए हैं कहीं कहीं, वो भी बन जाएंगे जल्दी। और बन जाने के बाद में बाकी तो सारा काम हो ही चुका है, देखो ये बन भी रहे हैं, सेटिंग लगी हुई है ना, ये पैराफिट बॉल बनाए जा रहे हैं साइडों के दोस्तों। क्रैश बैरियर ही बोल सकते हो, पैराफिट बॉल बोल लो, कुछ भी बोल लो, देखो सारा काम कंप्लीट है नहीं है। तो बनने के बाद इस पर लैंडमार्किंग हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए जाएंगे, बस हो गया काम दोस्तों। बाकी आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से लेकर गीता कॉलोनी तक रोड ज्यों की त्यों रहेगी, बस इसमें बीच में देखो हाई बीम को सामने से पड़ती हुई आप इसमें बीच में के मीडियन पर दोस्तों
एंटी ग्लेयर ब्लेड्स भी लगा दिए जा चुके हैं पूरे रूट पे गीता कॉलोनी तक। फिर वहाँ से तो आपको पता ही है एलिवेटेड सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये बनाया जा रहा है क्या, फुट ओवर ब्रिज एक आगे बनाया जा रहा है, तो वो भी ये रमेश पार्क के सामने फ्लाई ओवर बना गया है, तो वो भी चौड़ा मतलब बन के कम्प्लीट हो गया, उस पर वाहन भी चलने लगे हैं दोस्तों। तो बाकी रोड ज्यों की त्यों रहेगी, ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो ये आ चुका है रमेश पार्क के सामने। यहाँ पर जब यहाँ का ये फ्लाई ओवर बनाया जा रहा था रमेश पार्क का दोस्तों, तो उसका मैंने अपडेट आप लोगों को दिया था, और इसको भी उधेड़ दिया गया था दोस्तों, इसको फुट ओवर ब्रिज को अब ये दोबारा इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी सारा काम कंप्लीट हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियो देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। यह है गीता कॉलोनी, और गीता कॉलोनी के सामने ये देखो अप्रोच रोड यहां से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, एलिवेटेड सेक्शन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का दोस्तों। थ्री लाइन इस साइड में और थ्री लाइन उस साइड में, और आप सभी को बता दूँ देखो पैराफिट वॉल के ऊपर दोस्तों ये लगा दिए गए हैं साउंड प्रूफ बैरियर दोस्तों, और बीच में लगा दिए हैं एंटी ग्लेयर ब्लेड्स जो सामने की हाई बीम लाइट को सामने से ना पड़े, तो इसी वजह से ये एंटी ग्लेयर ब्लेड भी लगाए गए हैं दोस्तों। और दोनों साइडों में दोस्तों क्या ये स्ट्रीट लाइट के खंभे भी लगा दिए, उन पर लाइटें भी लगा दी जा चुकी है, क्योंकि आगे काम चल रहा है किस पे, रेलवे लाइन पे और मेट्रो की लाइन पे दोस्तों। तो फिर ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ यही है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे किस तरीके से बनाया गया है, चलते हैं दिखाते चल के। तो देखो सारा काम यहाँ पर बिल्कुल कम्प्लीट है दोस्तों, देख सकते हो लैंड मार्किंग भी हो चुकी है, और ये बीच के क्रैश बैरियर पर दोस्तों ये डेंट पेंट का भी काम हो चुका है क्लियर। तो चलते हैं आगे दिखाते चल के दोस्तों, कुछ ये नज़ारा है यहाँ का, ये देख सकते हो ये सारे में गीता कॉलोनी है दोस्तों, और आगे गांधीनगर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं और आगे दिखाते चल के आप सभी को, बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। खड़ी हुई है कंस्ट्रक्शन का सामान, ये चल रहा है देख सकते हो। यहाँ पर ये फ्लोर वर्क किया जाएगा स्टार्ट दोस्तों, जो कि अभी नहीं हुआ है, देख सकते हो सारे चारों साइड में भाई सब हैवी क्रेन मशीन ही आप लोगों को नज़र आएंगी इस तक जगह पे दोस्तों। चलते हैं आगे दिखाते चल के आप सभी को, देखो गाइस देख सकते हैं आप लोग
मैं आ चुका हूँ रेलवे लाइन पे और ये देखो ट्रेन गुजर रही है। दोस्तों आप सभी को बताऊँ कि ये पुरानी दिल्ली के लिए जा रहा है लाल किला की साइड में, और ये आ रहा है कहाँ से, सादरा की साइड से ये क्या ट्रेन आ रही है दोस्तों। और आप सभी को बता दूँ जिस पे ये ट्रेन चल रही है ना, ये वाला ट्रैक अब बंद कर दिया जाएगा, इसके बगल में ही नया ट्रैक बिछाया जा रहा है और नया ही ब्रिज बनाया गया है दोस्तों यमुना रिवर के ऊपर, क्योंकि जो पुराना ब्रिज था दोस्तों वो 155 साल पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है, तो इसी वजह से उसके बगल में ही नया ब्रिज बनाया गया है दोस्तों। और आप सभी को बताऊं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।